नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस रत्न को कौन से धातु की अंगूठी में धारण करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जानकारी के अभाव में रत्न तो कुछ है और उसकी रत्न की प्रकृति के विरुद्ध दूसरी धातु में हम उसे धारण कर लेते हैं तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता। जैसे प्रत्येक ग्रह का मंत्र होता है, प्रत्येक ग्रह का रत्न होता है, इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की धातु भी होती है। तो रत्न को उसके अनुसार जो उसके अनुकूल धातु है उसी में धारण करना चाहिए। दोस्तों, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के प्रिय रत्न माणिक्य की। माणिक्य को हमेशा तांबे की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए, सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके दो ऑप्शन हैं, तांबे में और सोने में। मोती को हमेशा चांदी की अंगूठी में ही पहनना चाहिए, चंद्रमा की धातु चांदी है, मोती के लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है। मूंगे को तांबे और सोने में आप पहन सकते हो। पन्ना अष्ट धातु, पंच धातु, चांदी और सोना चारों धातुओं में पहना जा सकता है। पुखराज को आप अष्ट धातु और सोने की अंगूठी में पहन सकते हैं, अष्ट धातु में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होते हैं। दोस्तों, शुक्र का प्रिय रत्न ओपल और हीरा, अगर आप ज्योतिषीय लाभ के लिए पहनना चाहते हैं, ग्रह के लाभ के लिए पहनना चाहते हैं तो आपको चांदी में ही पहनना चाहिए। नीलम जो कि शनि का अति प्रिय रत्न है, उसको आप अष्ट धातु की अंगूठी में पहने, अगर आप नीलम रत्न का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो नीलम की अंगूठी में लोहे का मिक्स होना बेहद आवश्यक होता है। उसमें भी यदि नाव की कील का या काले घोड़े के पैर का लोहा हो तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, घोड़े की नाल उसको बोलते हैं। दोस्तों, गोमेद को अष्ट धातु की अंगूठी में पहनना चाहिए और लहसुनिया को भी अष्ट धातु या चांदी की अंगूठी में पहना जा सकता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपने लगन के अनुसार मंत्र जाप नहीं करते, अपने भाग्येश के अनुसार उपाय नहीं करते, छोटी छोटी जानकारी के अभाव में व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएँ जीवन में आती हैं। मैं कामना करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।